जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदावन के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं और खुदा के फजलो करम से आप जिंदगी का एक और दिन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जीवन कितना छोटा है, उसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है मेरे पास, जो मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और वो कहानी इस तरह है कि समुंदर के किनारे जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, खास तौर से इंग्लिस्तान के आसपास और जो आइसलैंड के आसपास, तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि वहां पे सी गल्स होती हैं। तो हुआ ये मेरे अजीजों कि एक नौजवान लड़का था जो अपनी मदर की बड़ी मदद करता था। उसकी मदर बेवा थी, विडो थी, और लोगों के घरों में काम करती थी। और इसका क्या काम था, ये वहाँ पहाड़ से लटकता था नीचे और उन घोंसलों में से अंडे निकाल के इकट्ठे करके वहाँ पे मार्केट में बेचा करता था, और लोग खरीदते थे, उससे से उनका गुजारा चलता था। मदर काफ़ी बुज़ुर्ग भी हो रही थी और ये लड़का बड़ी मुस्तैदी से इसने ये काम सीखा। और इस सिलसिले में क्या हुआ कि रोज़ जाता था, अंडे इकट्ठे करके लाता था और मार्केट में बेचता था, और उनके घर का चूल्हा चलता था। तो एक समय की बात है, लटका हुआ वो नीचे मौजे हैं और नीचे लहरें हैं और इतनी जबरदस्त गर्जन वहां पे समुंदर की, और यूं यूं करके लहरें लग रही हैं उस पहाड़ के ऊपर, और वो लंबा वर्टिकल बड़ा पहाड़ जिसमें जैगेड एजेस हैं और नोकीले एजेस हैं वहां पे, उसमें वो लटका हुआ एक रस्सी के साथ और एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से यूं करके निकाल रहा है अंडों को निकाल रहा है। और उस वक्त पहली दफा ऐसा हुआ कि उसकी माता और उसके शायद और भी जो शायद उसके उसके हस्बैंड और वो पूरी फैमिली ने उसको अटैक कर दिया, और एक नहीं कईयों ने अटैक कर दिया क्योंकि उनके घोंसलों के पास किया था। और ये चिड़िया इतना शोर मचा रही उनके क्लॉज में, पैरों में, उससे उसको पकड़ने के नोचने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी नोकीली जो ये जो चोंच है उससे उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे उसके आसपास आगे वो, और वो यूं करके लटका हुआ है और उसके पैरों का वो निकल जाता है और बड़ी मुश्किल से और साथ में अंडों को बचा रहा है इधर। और उसने कहा कि अब तो कोई चारा है नहीं, तो उसने अपना चाकू निकाला। इतना बड़ा चाकू था उसके पास जो सेफ्टी के लिए उसने रखा था, और वहाँ चाकू लेकर उसने यूं यूं करके जो चलाना शुरू किया, एक को मारा उसने, दूसरे को मारा। जब तीसरा आया उसके पास तो उसने जोर से जो उसने अपना चाकू यूं करके जो घुमाया एक हाथ से, तो दोस्तों चिड़िया को तो नहीं लगी पर उस रस्सी पे जाके वो चाकू लग जाता है दोस्तों, और एक एक करके उसके जो बल है रस्सी के वो स्नैप होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, और रस्सी टक करके टूटने लगती है। और एक घबरा जाता है, नीचे देखता है लहरें और चट्टाने नीचे, अगर गिरेगा इतनी ऊंचाई से तो यकीनन उसकी मौत हो जाएगी, जिंदगी और मौत के बीच में यूं करके लटका हुआ है। और वो देख रहा है ऊपर और ऐसा ऐसा करके जितना वो कोशिश कर सकता है ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ से चाकू भी गिर जाता है मेरे अजीजों। जब एक एक करके रस्सी का बल टूट रहा है क्योंकि नोकीला चाकू उसमें लग गया था दोस्तों, ऊपर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई, और आसपास जितना भी झमेटा था उन चिड़ियों का और जो उसको चीखना था चिड़ियों का और शोर था, अचानक सुन पड़ गए उसके कान, क्योंकि उसको मौत दिखने लगी। नीचे देखता तो समुंदर और चट्टान, और अभी भी फासला ऊपर है, ऐसा ऐसा करके और जितना वो ऊपर जा रहा उतने उसके बल टूट रहे,
उसके बल टूट रहे हैं और वो बड़ी दुआएं शुरू करता है, खुदा मुझे बचा ले, मेरे खुदा मुझे बचा ले, मेरे खुदावंद मुझे बचा ले, मुझे एक और मौका दे जीने के लिए। उसके मुंह से ऐसी आहें निकलने लगी, बल एक एक करके टूट रहा है और ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा है, ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा है। और एक समय आ गया मेरे दोस्तों कि सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रैंड एक बल रह जाता है, और अभी भी थोड़ा सा फासला था, थोड़ा सा फासला था, थोड़ा सा फासला था, और उसने देखा कि शायद अब जिंदगी तमाम हो गई है। दोस्तों मुझे मालूम नहीं कि कभी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है जिसमें आपने स्वर्गों की ओर देख के खुदा को धन्यवाद दिया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, शायद आपके साथ एक नियर डेथ एक्सपीरियंस आपने भी महसूस किया हो, जब आप मौत के बड़े करीब आ जाते हैं और वहाँ से खुदा आपको बचा लेता है। दोस्तों ये लड़का लटक रहा है और जब थोड़ा सा फासला रह गया और बिल्कुल एक बल रह गया, उसको पता था किसी भी सेकंड टूट जाएगा, तो बिल्कुल वो अपने पैरों को उसने जमा लिया उस पहाड़ी पे और खुदा से माफ़ी मांगने लगा अपने गुनाहों के लिए। तो खुदा मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता पर लगता यही समय आ गया है, मेरा यही समय है। दोस्तों उसी वक्त उसको पता था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब टूट जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। उसने उसकी आहें और उसकी दुआएं सुन के बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी ऊपर, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, आसपास के और जितने लोग थे, गांव के लोग और आस पड़ोस के लोग और जितने वहाँ पे काम कर रहे थे वो सारे इकट्ठे हो गए ऊपर और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे मदद के लिए। दोस्तों जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अचानक एक आवाज़ आई, मेरा हाथ थाम ले, मेरा हाथ थाम ले, मेरा हाथ पकड़ ले, नौजवान मेरा हाथ पकड़ ले। अचानक उसने अपनी आंखें खोली तो देखा एक बड़ा सा हाथ आया वहाँ नीचे। उसने कहा मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले, जल्दी पकड़ ले, डिले मत कर, डिले मत कर, रुक मत। और दोस्तों उसने विश्वास से एक हाथ रस्सी पे रखते हुए दूसरे हाथ से जैसे ही उसने पकड़ा, उस मजबूत हाथ ने उसको थाम लिया मेरे अजीजों, और उसी वक्त वो रस्सी टूट जाती है और उसका दूसरा हाथ यूं करके निकल जाता है और उस हाथ ने उसको पकड़ लिया, उस हाथ ने उसको ऐसा पकड़ा और उसको बड़ी ताकत से, सामर्थ्य से खींच लिया ऊपर। वो बहुत एक बड़ा ताकतवर इंसान था नौजवान, इसके हाथ बड़ा लंबा चौड़ा था, उसके हाथ बहुत लंबे थे और उसने आउटस्ट्रेच्ड आर्म से अपना हाथ बढ़ाते हुए उसको पकड़ लिया, दोस्तों बचा लिया उसको। उस दिन वो नौजवान बच गया दोस्तों, वो रोया, उसके आंसू टपकने बंद नहीं हो मेरे आंसू से। उसको समझ नहीं आया कि मैं जो मरने वाला था, मैं जो नाश होने वाला था, मेरे पास जो कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं थी, सिर्फ एक बल रह गया था, किसने मुझे थाम लिया, उसके कदमों में गिर गया वो, उसने उसको उठा लिया और गले लगा लिया। दोस्तों उसकी माता आई, उसके परिवार के लोग आए, उन्होंने उसको गले लगा लिया और वो बच गया दोस्तों, वो बच गया। दोस्तों मैं जब ये कहानी सुनता हूँ ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है ना मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल उस नौजवान की तरह है। ज़िंदगी और मौत के बीच में हम लटके हुए हैं। शायद आपने तवज्जो नहीं दिया, ना आपने इस बात पे गौर फरमाया है कि जीवन की रस्सी जो है ना, डोर, जीवन की डोर के कितने बल रह गए हैं। सॉरी मैं ये बात आपसे आज कह रहा हूँ, आप बोलोगे यार बड़ी नेगेटिव बात कर रहे हैं आप, दोस्त नेगेटिव नहीं है, ये एक हकीकत है दोस्तों, दिस इज़ रियलिटी। मुझे मालूम नहीं आप 40 साल 50 साल और आप 60 साल 70 साल 20 साल 35 साल 40 साल
मुझे मालूम नहीं कितने साल से आप लटके हुए, और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको परमेश्वर ने कितने साल के बल दिए हैं, ये भी जी मुझे मालूम नहीं। याद रखें, हर बर्थडे पे एक बल निकल जाता है, मैं बता रहा हूं आपको, हर रोज वो लूज हो रहा है वो, मैं बता रहा हूं आपको, जीवन की डोर एक एक करके एक एक बल जा रहा है जिंदगी से दोस्तों, और आपको नहीं मालूम ना मुझे मालूम कि कितने बल खुदा ने हमें दिए हैं। हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर देयर इन दैट रोप ऑफ लाइफ, इन द लाइफ लाइन दैट गॉड हैज गिवन यू, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, हम लटके हुए हैं। क्या ऐशो आराम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे? ठीक है, करिए, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करते हो, आप खाइए पिए ऐश किए, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सबसे एक्सपेंसिव कपड़े, घड़ियां और मोबाइल फोन्स, या जो भी आप चाहते हैं, पूरी दुनिया घूम लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे अजीजों, करिए, आपने मेहनत करी, वो आपका पैसा, आपका घर, आपकी गाड़ी, आप जैसा मर्जी वो पैसा उड़ाइए, नो प्रॉब्लम, पर याद रखें वो बल जा रहे हैं। द स्ट्रैंड्स ऑफ लाइफ आर स्नैपिंग माई फ्रेंड्स, आर स्नैपिंग माई फ्रेंड्स, और अगर एक ही बल रह जाए क्या करेंगे आप? आपके मकान, आपकी दौलत, आपका सोना चांदी, बड़े बड़े हीरे जवाहरात, आपका नाम, नेम, फेम, आपका ओहदा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हुस्न जमाल, योर गुड लुक्स, योर ब्यूटिफुल क्लोथ्स, योर बिग हाउस, योर बड़े बड़े मकान है, आपका करोड़ों रुपया का बैंक बैलेंस, क्या एक और जिंदगी का स्टैंड आपको दे सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं, नहीं मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु के बड़ा जबरदस्त भक्त था मूसा, उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे अपने जीवन के दिन गिनना सिखा। क्यों, क्या वजह है, क्या वजह है? वजह यह है, वो कहते हैं कि 60-70 साल, अगर ताकत है तो 80 साल, 80 ईयर्स। दोस्तों ये अनुग्रह है कि आप जीवित हैं, सच कह रहा हूं, ये जीवन आपका नहीं है, हाँ ये जीवन आपका नहीं है मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, और उसका हिसाब भी लेगा वो। पर खुदा का लाख लाख शुक्र कि 2000 साल पहले कोई आया अपना हाथ बढ़ाने के लिए, मुझ जैसे पापी के लिए, आप जैसे गुनहगार के लिए, हर एक ने गुनाह किया है, कोई नेक नहीं है, सबके ऊपर पाप का चाकू लग गया है। याद रखें हम लटके हुए हैं दोस्तों, ये अलग बात है, आप इसको महसूस नहीं करते, वो डिफरेंट बात है, पर कभी ना कभी जरूर करेंगे आप। जीवन और मौत एक हकीकत है दोस्तों, जिंदगी और मौत एक खेल नहीं है मेरे अजीजों, इट इज़ अ रियलिटी। सोचिए आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोल दे, दिल की, दिल को जो कठोर करके रखा है उसको खुदा मोम कर दे, और इस बात को आप सोचें कि जीवन कितना छोटा है, द ब्रेविटी ऑफ लाइफ, और आप लटके हुए हैं, कितने बल रह गए मुझे मालूम नहीं दोस्तों। अगर नहीं मालूम है तो आज निर्णय ले लीजिए, वो हाथ थाम लीजिए, वो किसका हाथ है, वो किसका हाथ है मेरे अजीजो, हुज हैंड इज इट, हुज हैंड इज इट, एक ही है जो बचा सकता है हमें। There's only one who has an outstretched arm to save us. एक ही है जो जिसका जोरावर हाथ हमें बचा सकता है, और ये वो हाथ है जिसने अपने हाथों में कीले ठुकवा दिए, वॉलंटरीली खुद अपनी इच्छा से सलीब उठाकर कलवरी के पहाड़ पे गया वो, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, दी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, द ओनली ट्रू एंड लिविंग गॉड, वो जो सिर्फ एक सच्चा खुदा है, जीवित खुदा, प्रभु यीशु मसीह, यीशु जो बचाने आया, मसीह जो मसा करके भेजा गया। दोस्तों इस दुर्दशा में जब हम लटके हुए थे, वो आया, देहधारी हुआ, और अपना आज अपना हाथ बढ़ा रहा है, उसने कीमत चुका दी दोस्तों। गुनहगार हम, पापी हम, बदकार हम, बदचलन हम, हृदय हमारा कठोर और दुष्ट, सब तरह की बुराइयां हमने करी, पर सजा उसको मिली दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
सच कह रहा हूं, सच्ची। और उन्होंने अपने प्यार को इस तरह दर्शाया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जब हम गुनेगार ही थे, जब हम पापी ही थे, हम गुनेगार, उन्होंने हम पापियों के लिए अपनी जान दे दी सलीब पर। दोस्तों, अपना बेशकीमत लहू बहाया उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए। वो मारे गए, उन पे थूका गया, उन्होंने मृत्यु चखी। जो हमेशा रहने वाला खुदा, उसने हमारे लिए मृत्यु चखी, समझ के बाहर है दोस्तों। उनको दफन कर दिया गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुए, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही हूं मार्ग सच्चाई और जीवन, मैं ही हूं। ये जरूर है कि मैं मारा जाऊं पर तीसरे दिन जी उठूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और अपने वैदिक के अनुसार मौत उसको रोक ना पाई, कब्र उसको अपने गिरफ्त में ना रख सका, और वो जिंदा हुआ हमारा खुदावन और जी उठा। और 40 दिन रहने के बाद लोगों ने उसको देखा, कई 100 लोगों ने, और कई आई विटनेस आंखों देखे गवाहों के सामने प्रभु यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग में गए। और बाइबल इसी वैद्य से खत्म होती, देखिए मैं शीघ्र आने वाला हूं। दोस्तों, वो आने वाला है। मैंने एक विचार आया दोस्तों, एक विचार आया मेरे पास, वो विचार खुदा के कलाम में ये है कि यशाया की एक बड़ी खूबसूरत पुस्तक है, यशाया चैप्टर 49, यशाया 49 में लिखा है, इंग्लिश में पहले पढ़ता हूँ मैं, 15 और 16 में लिखा है, कैन अ वुमन फॉरगेट हर नर्सिंग चाइल्ड दैट शी शुड हैव नो कंपैशन ऑन द सन ऑफ हर वूम, इवन दीस मे फॉरगेट येट आई विल नॉट फॉरगेट यू। हिंदी में है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? कमाल है, कैसे हो सकता है ये? और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना दिखाए? इट्स वेरी स्ट्रेंज, कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आगे सुनिए, आगे 16वां पद, चैप्टर 49, यशाया, बिहोल्ड आई हैव इंग्रेव्ड यू ऑन द पाम्स ऑफ माय हैंड, योर वॉल्स आर कंटिन्यूअली बिफोर मी। हिंदी में है, देख मैंने तेरा चित्र, वाओ, तेरा नाम नहीं, तेरा चित्र, योर होल बीइंग, तेरा पूरा वजूद, तेरे सारे इमोशंस, तेरा वो कठोर हृदय, तेरा चेहरा, हर एक चीज, तेरी पूरी शख्सियत, योर होल बीइंग इज एनग्रेव्ड इन माय आर्म्स, इन माय हैंड्स, इन माय पाम्स। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। दोस्तों, वाओ वाओ दोस्तों, कमाल है। मैं क्या बोलूं इसके बारे में कि दोस्तों, हम जैसे गुनेगारों का पूरा चित्र खुदा ने अपने हाथों में खुदवाया हुआ है, अपनी हथेलियों पे, कमाल है। खोद कर कीलों से जड़ दिया प्रभु यीशु मसीह को, कीलों से। उस दर्द को, उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता दोस्तों, कोई नहीं समझ सकता। हमारे पापों के सबब से वो मरा गया और जी उठा। और आज एक और मैं भजन पढ़ता हूँ, 40वां भजन, और उसमें लिखा है, ही ड्रू मी अप, और दूसरा पद भजन संहिता 40:2, ही ड्रू मी अप फ्रॉम द पिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, आउट ऑफ द माइरी क्ले, एंड सेट माई फीट अपॉन अ रॉक, मेकिंग माई स्टेप्स सिक्योर। और उसमें लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उभारा है, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, उसने मेरे साथ करा सत्यानाशी गड्ढे में। दोस्तों, मैं लटका हुआ था वहां, उसने मुझे खींच के निकाले, उस कीचड़ से निकाला, उस दलदल से, गुनाह की दलदल से मुझे निकाल लिया उसने। बड़ी कीमत देनी पड़ी उसको, बड़ी कीमत देनी पड़ी। और जब वो निकाल रहा होगा, आपका चित्र उसकी हथेली पे था, पहचानिए आज उसके हाथों को, वो आपसे बहुत प्यार करता है दोस्तों, ही लव्स यू वेरी मच। उसने आपके चित्र को, आपको खुद कंप्लीटली आपको खोदा है, छिदा है उसके हाथ आपके नाम से, आपके चित्र से, आपकी शख्सियत से है।
और आपको निकालना चाहता है उस नौजवान की तरह। प्लीज प्लीज उस नौजवान की तरह उसकी ओर पुकारिए, उसका हाथ थाम लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज डिले मत कीजिए। मुझे मालूम नहीं वो रस्सी कितने बल बचे हैं मेरे अजीज। प्लीज आई बिसीच यू बाय द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू होल्ड हिज हैंड टुडे एंड बी सेव्ड लाइक दैट यंग मैन। ओ पकड़ लीजिए, शायद दोबारा मुझे मौका ना मिले आपको ये संदेश सुनाने का। जीवन बहुत छोटा है, शायद मेरा जिंदगी खत्म हो जाए। दोस्तों जीवन बहुत छोटा है, उस लड़के की तरह अपने गुनाहों से तोबा करो और बोलो प्रभु जी मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मेरे पास कोई आशा कोई उम्मीद नहीं है प्रभु। ये जीवन की डोर कब टूट जाए प्रभु मुझे मालूम नहीं, पर आज मैं अंगीकार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं। पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे 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 पापों की सूली पर आप मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए। प्रभु जी आपने अपना बेशकीमत लहू मेरे लिए बहा, मुझसे प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपकी कुर्बानी के लिए धन्यवाद। प्रभु जी आज मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज प्रभु विश्वास के द्वारा अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ। प्रभु मुझे थाम लीजिए, प्रभु मुझे थाम लीजिए, प्रभु मुझे थाम लीजिए, प्रभु मुझे थाम लीजिए, बचा लो मुझे, मुझ गुनहगार को बचा लो प्रभु। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आपने उसका हाथ थाम लिया है दोस्तों। यू हैव हेल्ड ऑन टू हिम, हेल्ड ऑन टू इटर्नल लाइफ एंड द वन हु होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर विद द वर्ड विद द पावर ऑफ हिज वर्ड, जो पूरी कायनात को अपने शब्द के सामर्थ्य से जोड़ के रखता है, उठा के रखता है, चलाता है, वो सामर्थ्य हाथ द ऑल माइटी हैंड हैज हेल्ड यू टुडे। ही विल नेवर लीव यू नॉट फॉर सेक। जिंदगी भी खत्म हो जाए फिर भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा वो, अनंत काल तक। दोज हु यू हैव गिवन मी आई विल इन नो वाइज कास्ट आउट, कोई आपको उसके हाथ और ग्रिप से नहीं निकाल सकता। वो अनंत काल का ग्रिप है दोस्तों, वो मोहब्बत का ग्रिप है, वो दया का ग्रिप है और उससे कोई नहीं निकाल सकता आपको दोस्तों। मेरे अजीजों अगर आपने वो प्रार्थना करी है, आपने उसको थाम लिया और उसने आपको थाम लिया है दोस्तों। अगर किसी ने शायद वो अभी तक नहीं किया, आज विश्वास से उसका हाथ पकड़ लीजिए, गुनाहों से तोबा करें और दोस्तों उद्धार पाइए। वो खींच के निकालेगा आपको, चट्टान पे खड़ा करेगा, एक नया गीत आपके दिल में डालेगा, अपनी शांति अपनी खुशी आपको देगा और दोस्तों जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। प्रभु मदद करे आपकी। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। YouTube
जीवन जल टीवी @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।